नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेकगुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेकगुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के जैसे आपको शॉक लगा है, वैसे ही मुझे आज सुबह सुबह शॉक लगा था। एक्चुअली बात ये हुई कि आज जब मैं अपने कमेंट देख रहा था कौन से वीडियोस पर कौन से कमेंट आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। दोस्तों, एक कमेंट आई थी रमेश कुमार जी की। एक्चुअली उनका कोई फ़ोन नंबर यहाँ पे उन्होंने नहीं डाला है या कोई ईमेल एड्रेस भी नहीं डाला है, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहता था, मगर उन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। तो पहले मैं आपको ये कमेंट पढ़कर सुना देना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है, सर मुझे एक महीने के वीज़ा पर एजेंट ने दुबई में काम के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ आकर मैं फंस गया। मेरे पास 15 दिन बचे थे वीज़ा ख़त्म होने में, तो मैंने खुद एजेंट ने कुछ काम नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद काम तलाश करना शुरू कर दिया। मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी कमेंट लिखी है। मुझे काम मिल गया, आखिर के दिनों में उनको काम मिल गया। बॉस ने कहा मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, अगर फाइन होगा कंपनी देगी। मतलब कि उनके आखिर के दिन थे, वो आए थे यहाँ पर एक महीने के वीज़ा पर और उनके आखिर के दिन शुरू थे, और उस टाइम पे उनकी जिस कंपनी में उनका जॉब हुआ था, उन्होंने बोला कि हम लोग आपका विजिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा देंगे, मगर जो भी टाइम, मतलब वो तो ऑब्वियसली अभी उनके आखिर के दिन होंगे, तो ओवर स्टे होना था उनका। ओवर स्टे मतलब वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो यहाँ पे रहे, ठीक है, उसको कहा, मतलब वीज़ा ख़त्म होने के बाद जो रहते हैं यहाँ पे उसको ओवर स्टे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी ने तो क्या बोला था कि उनके जो भी फाइन होगा ओवर स्टे का वो दे देंगे, ठीक है। 4 महीने के बाद उनका वीज़ा लग गया, 4 महीने के बाद, ठीक है। एक्चुअली वीज़ा का प्रोसेस शॉर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगते हैं, 15-20 दिन लगते हैं सारा अगर ख़त्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है। उनका लग गए 4 महीने, ठीक है। 4 महीने के बाद उनका वीज़ा लग गया, लेकिन मुझे बताया गया कि कंपनी फाइन नहीं देगी, तुमको देना होगा। उनका फाइन पता है कितना आ गया है? 12,000 दिरहम। 12,000 दिरहम मतलब इंडिया के अगर करेंसी काउंट की जाए दोस्तों, तो वो है 2,10,000 रुपीज। उनका फाइन ही लग गया है 2,10,000। अब तक उन्होंने फाइन पे किया है 3,600 दिरहम, मतलब कि होता है 64,000। मतलब वो कमा रहे हैं यहाँ पे अब बस फाइन पे करने के लिए। इतना बुरा लगा। वो अभी मदद चाहते हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। पहले इसको हम ख़त्म करते हैं कि इसमें क्या गलती हुई और किसकी गलती है। तो इसमें दो बड़ी गलती हुई दोस्तों। एक तो इन्होंने एजेंट का सहारा लेके यहाँ पे आ गए, मतलब मिसगाइडेंस, पूरा मिसगाइडेंस, ठीक है। यहाँ के डर गए हो, क्योंकि एजेंट ने एक महीने के, मैं हर पहले टाइम से बोलता हूँ कि एक महीने के वीज़ा में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो 3 महीने का वीज़े पर ही आना है, नहीं तो आप मत आओ, वहीं से जॉब ढूंढो जहाँ से आप हो, ठीक है। और दूसरी बहुत सबसे बड़ी गलती की उन्होंने यहाँ पे ओवर स्टे किया। ओवर स्टे मतलब उनका वीज़ा 1 महीने का ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने वापिस जाना चाहिए जहाँ से वो है इंडिया से, तो उन्होंने वापिस जाना चाहिए था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने पिछले वाले कई सारे वीडियोज़ में बोला है दोस्तों, आपका सगा भाई, आपकी माँ, आपका बेटा, जो भी कोई भी कहे आपको कि आप यहाँ पे रहो, आप ओवर स्टे करो, हम आपका मतलब फाइन भरेंगे, आपकी कंपनी कहे आपको, किसी का नहीं सुनना है दोस्तों। एक बहुत इमोशनल वीडियो मैंने पहले बनाया था कि ओवर स्टे आपको किसी भी हालत में नहीं करना है, यहाँ पे आपका कोई नहीं है, एक पराई कंट्री में आप अकेले होते हो दोस्तों। फंस गया ये बंदा भी, 2,10,000 जब तक ये नहीं भरेंगे तब तक यहाँ से उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो फाइन हो गया उनका। गलती इनकी है, ओवर स्टे इन्होंने किया, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अगर कोई दोस्त होता वो भी हाथ खड़ा कर देता, मैंने पहले ही बोला है, कोई भी आपको कहे कि आप रहो ओवर स्टे करो, हम देखें, नहीं, आप जाओ, विजिट पर आए हो तो वापिस जाओ, फिर विजिट पे आओ। क्या है इतना बड़ा फाइन? मतलब अभी ये जो राजेश कुमार जी है, रमेश कुमार जी नाम है इनका, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं,
वीजा फाइन पे करने के लिए, मतलब इनका कोई बचता नहीं होगा फिर पैसा, जो भी कमाते हैं फाइन दे देते हैं। ये गलती दोस्तों किसी ने नहीं करनी है लाइफ में। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी, कोई भी कहे आपको कि आप ओवर स्टे करिए, आप अगर यहाँ पे विजिटिंग पे आते हो तो आपको आपका दोस्त बोल सकता है यहाँ का क्या होता है देखेंगे, फाइन पे करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको होगा। शायद आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए, कंपनी आपको आगे जाकर बोल सकती है कि आपका वीज़ा 3-4 दिन में आ रहा है, 3-4 दिन में ख़त्म होने के बाद आपका विजिटिंग वीज़ा पर हो अभी आप, और आपके आखिर के दिन शुरू है, और आपको कंपनी बोल सकती है 3-4 दिन में आपका वीज़ा आने वाला है, आप रुको, फाइन जो भी हो देखा जाएगा, हम पे करेंगे या देखेंगे। ऐसे बोलने वाले बोल बच्चन बहुत मिलेंगे आपको, मगर प्रॉब्लम किसे होगा? आपको। वीज़ा किसका है? आप। फाइन किसको पे करना है? अभी इन्होंने अगर लेबर कोर्ट में भी गए ना, इनको कोई इनको इनका मतलब कसूर इनका है दोस्तों, मतलब ओवर स्टे किसका हुआ है? कंपनी का ओवर स्टे नहीं हुआ है, इनका ओवर स्टे हुआ है। यहाँ का लेबर कोड क्या करेगा, कहेगा ओवर स्टे क्यों किया आपने? वो बोलेंगे कंपनी ने बोला था, आपने क्यों सुना? मतलब सही गलत का आप फैसला करना आपको नहीं आता है। गलत गलत क्या होता है ओवर स्टे करना, हर काफी वीडियोस मैंने बनाई है दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं बताता हूँ। कोई भी आपको कहे ओवर स्टे करो करो करो, ओवर स्टे मतलब कि यहाँ पे रहो वीज़ा ख़त्म होने के बाद। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, अभी सारे आंसर मैं इस रिलेटेड देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, सर हम लोग अगर 1 महीने का वीज़ा लेकर वहाँ पे आते हैं तो वो वीज़ा एक्सटेंड होता है क्या? मेरा वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे ही बातें करता हूँ आपसे, तो आखिर में बीच में एंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कभी कभी मैं वीडियो खत्म कर भी देता हूँ और फिर बातें करना शुरू कर देता हूँ, जैसे कि मैं बोल देता हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे बोल के फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको शायद लगता होगा हाँ भी सर जी कट कर दिया, मगर उसके बाद भी कभी कभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, तो मेरा प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए। बहुत छोटी छोटी बातें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती है। तो मैं वीज़ा रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर अगर 1 महीने के विजिटिंग वीज़ा पर हम अगर यहाँ पे आ गए और वीज़ा अगर ख़त्म होने वाला है तो यहीं के यही हमें दूसरा वीज़ा मिल सकता है क्या, एक्सटेंड हो सकता है? तो इसका आंसर है बिग नो, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है। पहले काफ़ी सालों के पहले 1 महीने का वीज़ा 2 महीने में कन्वर्ट होता था, एक्सटेंड होता था, मगर अभी वो प्रोसेस बंद कर दिया है, एक्सटेंड नहीं होता है। मतलब क्या, आपको वीज़ा अगर आपका 1 महीने का वीज़ा है, 28 डेज में आपको यहाँ से निकलना है, बस ये कंट्री छोड़ के जाना है। आप कहीं पे भी जाओ, आप अपनी कंट्री में जाओ, आप ओमन चले जाओ, या आप कहीं पे भी जाओ, मगर ये दुबई आपको छोड़ के जाना है। अगर आप 90 दिन के वीज़ा पर यहाँ पे हो तो आपको 88 डेज में यहाँ से निकल लेना है, ठीक है? काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो आप विजिट वीज़ा होता है ये वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट होता है क्या? हाँ, ये वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट होता है, मगर उसके लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है दोस्तों। तो ये कब होता है? जब आप 3 मंथ का वीज़ा लेते हो तभी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। 1 महीना का वीज़ा जो यहाँ पे आता है वो बेवकूफ़ है, पता नहीं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होता है। मैं मतलब मेरा गला सुखा देता हूँ, मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, मैं उनको अभी रिप्लाई देना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ 1 महीने का वीज़ा मतलब पूरा टाइम वेस्टिंग है आपका, मनी वेस्टिंग है, आने जाने का टिकट वेस्टिंग जाएगा, यहाँ के 1 महीने के रहने खाने के पैसे वेस्ट जाएंगे, हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपने यहाँ पे आना ही नहीं विजिटिंग पे, आप जहां से भी हो वहीं से सर्च करो। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे आने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा, तो ये गलती से भी आपको गलतियां नहीं करनी है। इतने बड़े उदाहरण, मतलब मैंने एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था, एक लेडी थी, उनको भी एक ओवर स्टे हो गया था। ओवर स्टे में प्रॉब्लम ये तो फाइन 12,000 दिरहम हो गया, ये इमिग्रेशन का, वीज़ा का 5,000 फाइन होता है दोस्तों, वीज़ा का अलग से 5,000 फाइन होता है, वो भी पे करना पड़ता है। 5,000 दिरहम बोल रहा हूँ, रुपीज नहीं, मतलब ये 2,10,000 दिरहम इमिग्रेशन का फाइन हो गया, और 5,000 दिरहम मतलब 1 लाख जो होता है वो इमिग्रेशन का, मतलब कि बहुत बड़ी मुसीबत है ओवर स्टे। मतलब आप इतना सोचिए मत कि आपको 1 दिन ओवर स्टे हो गया क्या होगा, 2 दिन हो गए क्या होगा, खून क्या उखाड़ लेगा मेरा, ठीक है? यहाँ पे अब आप एक अलग कंट्री में होते हो, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है, आपके दोस्त सब हाथ खड़े कर देते हैं, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, कोई आपका। अभी ये आदमी, ये जो रमेश जी है, कौन आ रहा है इनको हेल्प करने के लिए?
उस टाइम पे कंपनी ने क्या कहा उनको, ए कंपनी, मतलब कंपनी बड़ी बड़ी बातें करती है, देख लेंगे फाइन हम लोग पे करेंगे, कोई टेंशन मत लो। अब कंपनी ने डायरेक्ट हाथ ऊपर कर दिए। प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? रमेश कुमार। अभी उनका ईमेल मोबाइल नंबर इन्होंने नहीं डाला है, इनको कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता, कोई सुझाव भी नहीं दे सकता। मगर ठीक है, चलो आप तो ये गलतियां मत करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, दिल को थोड़ा सा फील हुए, उसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक दो शेयर की वजह से किसी के पैसे बच सकते हैं, किसी के रियली मतलब एक महीने के वीज़ा पर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो कम से कम इंडिया के 50,000 रुपीज़ तो जाते ही जाते हैं एक महीने में, वो तो पूरे वेस्टिंग जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। मतलब ये बस सीखने में आपके 50,000 जाते हैं, तो वही थोड़ा सा दिमाग चलाइए। मैं जो भी बताता हूँ ना दोस्तों, आपके अच्छे के लिए ही बताता हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आप चैनल देख सकते हो सब्सक्राइब, मेरे पिछले वाले वीडियोज यहाँ पे देख सकते हो आप, और सब्सक्राइब करना तो यहाँ पे भी आप बटन देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं दोस्त, दो नए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।